हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं अभिराज रंगवाल। आज मेरी स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज है हरेला। भाई छुट्टी में इतनी लेट हो गई, 9 बज गए ऊपर तो लेट हो गया यार उठने में। चलो चलते हैं, लेट्स गो। अभी प्लान नहीं किया हमने कहाँ जाएंगे। भाई किचन में तो फुल तैयारियाँ चल रही है पकवान बनाने के लिए। चलो मैं आपको बताता हूँ हरेला के बारे में। हरेला उत्तराखंड का फेमस त्यौहार है जो कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है। इसमें 9 दिन पहले 5 से 7 अनाज बोए जाते हैं। इनसे निकालने वाले पौधों को हरेले के दिन बड़े बुजुर्ग काटते हैं और फिर इनके तिनकों को छोटों के कान और सिर पर रख के आशीर्वाद देते हैं। हमारे वहाँ हमारे पंडित जी लाए हरेला। पहले नहा लेते हैं। भाई नहा लिया, देखते किचन में क्या चल रहा है, देखते हैं क्या क्या बना है। तो दादी बना रही है बड़े, और ये है रायता, और ये है ये क्या है दादी, पुए। इसके बनेंगे पुए, और ये है खीर, और ये है आलू। चिमनी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज आ रही है। त्यौहार में हमारे वहाँ जो भी पकवान बनता है वो पहले सबसे पहले हम चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो हमने चढ़ा दिया भगवान जी को पकवान। चलो अब हरेला बनाते हैं। जाग रहे हैं, पंत रहे हैं, पुत रहे हैं, आकाश बराबर लंबे है जे, धरती बराबर चौड़ा जे। अपन जीवन में खूब तरक्की करिए, अपन बाबू नाम रोशन करिए। चलो खाते हैं पकवान, पूरी, बड़े रायता, खीर और पुए। पापा ने पकवान कुछ ज़्यादा ही सूझ दिया, तो अब आए हम नींबू पानी पीने मोनू भैया की दुकान में। मैं ग्राउंड से खेल के आया तो देखा राउट स्वीट्स का पैकेट भरा हुआ है। दही कहाँ से आया है? दादी ने बताया कि पंकज चाचा ने भेजा है, देखते हैं क्या है इसमें। वाओ घेवर, चलो टेस्ट करते हैं। भाई अल्टीमेट फेमस बना है। पंकज चाचा को इस घेवर के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये मिठाई सर सावन में ही मिलती है और रावत स्वीट्स रामनगर के घेवर सबसे फेमस है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।